एक घर के मुखिया को यह अभिमान हो गया था कि उसके बिना उसके परिवार का काम नहीं चल सकता। उसकी एक छोटी सी दुकान थी, उसमें जो आय होती थी उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था। चूंकि कमाने वाला वह अकेला ही था, इसलिए उसको लगता था कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। वह लोगों के सामने डिंगे हाका करता था। एक दिन वह एक संत के सत्संग में पहुंचा। संत कह रहे थे कि दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। यह अभिमान व्यर्थ है कि मेरे बिना परिवार या समाज ठहर जाएगा। सभी को अपने भाग्य के अनुसार ही प्राप्त होता है। और सत्संग समाप्त होने के बाद मुखिया ने संत से कहा, मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्च चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे। संत बोले, यह तुम्हारा भ्रम है, हर कोई अपने भाग्य का खाता है। इस पर मुखिया ने कहा, आप इसे प्रमाणित करके दिखाइए। संत ने कहा, ठीक है, तुम बिना किसी को बताए घर से कुछ महीने के लिए गायब हो जाओ। और उसने ऐसा ही किया। संत ने यह बात फैला दी कि उसे बाघ ने खा लिया है। मुखिया के परिवार वालों ने कई दिनों तक शोक मनाया और गांव वालों ने आखिरकार उनकी मदद के लिए सामने आ ही गए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर लड़की की शादी करा दी और एक व्यक्ति छोटे बेटे की पढ़ाई का खर्च देने को तैयार हो गया। और कुछ महीने बाद मुखिया छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर आया और घर वालों ने भूत समझकर दरवाजा नहीं खोला। और जब वह बहुत गिड़गिड़ाया और उसने सारी बातें बताई तो उसकी पत्नी ने दरवाजे के भीतर से ही उत्तर दिया, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब हम पहले से ज्यादा सुखी हैं। यह सुनकर उस व्यक्ति का सारा अभिमान उतर गया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलता है कि संसार किसी के लिए भी नहीं रुकता। यहाँ सभी के बिना काम चल सकता है। इस संसार को चलाने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें संपूर्ण ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।